नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि लंबी लंबी लिस्ट कैसे याद की जाए। आपको अक्सर ये समस्या आती होगी कि लंबी लिस्ट याद करनी है तो आसानी से याद होते नहीं है, बहुत समय लगता है याद करने में, उसके बाद भी हम भूल जाते हैं, हम एज इट इज़ लिस्ट हम नहीं लिख पाते हैं। तो क्या होता है कि जब भी मान लीजिए अभी आपको घर से सामान लेने जाना है कहीं बाहर में, तो मिसेस ने बोला भाई कि हाँ फलाना 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 चार पाँच सामान ले आना। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, वहाँ से आपने तीन चार सामान लिया, फिर भी एक दो छूट गया। होता है सर, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कई बार होता था पहले। तो ये होता इसलिए है कि हम लोग सर याद नहीं रख पाते हैं लिस्ट को। तो आज मैं इस वीडियो में ये सिखाने वाला हूँ आपको कि कैसे लंबी लंबी लिस्ट याद की जाए। और ये पूरा जो डेमो है ये इंटरेक्टिव होने वाला है। इंटरेक्टिव मतलब मैं आपको लाइव सिखाऊंगा कि एक लंबी लिस्ट के आइटम कैसे याद की जाए। इसमें करीब करीब 25 वर्ड्स आएंगे, तो मैं आपको लिस्ट याद कराऊंगा। इसके पहले कि डेमो शुरू किया जाए, वीडियो को पॉज करिए, आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, ताकि मैं पहले आपको जो कुछ वर्ड्स बताऊंगा वो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डेमो करेंगे। डेमो के बाद में आप टैली करिएगा कि वो आपको बिना देखे कितने वर्ड्स आप लिख सकते हैं एज इट इज़। तो आप पेन और पेपर लेके आ जाइए और नोट करिए जो मैं बताते जा रहा हूँ वर्ड्स को। तो लिस्ट में सबसे पहला जो हमारा वर्ड आएगा वो दलेर मेहंदी। फिर अगला वर्ड है अलार्म क्लॉक, अलार्म घड़ी। फिर इसके बाद कार। फिर जंगल। फिर शादी। तरबूज। कुर्सी। हाथी। अंगूठी। सलमान खान। पानी की टंकी। ऊंट। चांद। क्रिकेट। बब्बर शेर। कैटरीना कैफ। सेब। सेब मीन्स एप्पल। एप्पल। घोड़ा। समुद्र। लैपटॉप। बाइक। फुटबॉल। स्टार्स। अमिताभ बच्चन। मोबाइल। ये सब तो नोट कर ली। इसको अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं आसानी से। तो आपको करना क्या होगा, आप आराम से आंखें बंद करिए, रिलैक्स होकर बैठ जाइए और ईयरफोन लगा लीजिए कान में और रिलैक्स होकर बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, और जो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ उसको आपको विजुअलाइज करना है, उसकी कल्पना करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप जंगल से जा रहे हैं, तो आपको कल्पना करना है कि आप वास्तव में जंगल से गुजर रहे हैं। और जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा उस वर्ड को आपको मन में ही कल्पना करना है, आंखें नहीं खोलना है, आंखें पूरे वीडियो के दौरान बंद रखिए और आप सिर्फ सुनते जाइए और उसकी कल्पना करते जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल्पना करिए कि आप अपने घर में बैठे हैं आराम से, टीवी पे गाना दिख रहे हैं और दलेर मेहंदी का गाना आ रहा है, तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तारा है ना। बच्चे वहीं खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं बच्चे लोग गाने पे। अचानक क्या होता है, 8 बजता है और अलार्म की घड़ी बजती है। अलार्म की घड़ी स्पेशल रहती है, उसमें से जैसे ही वो मिनट का गांडा 12 में पहुँचता है तो वो एक विंडो खुलता है, उसमें से चिड़िया बाहर आती है, चिड़िया चिल्लाती है ज़ोर से, फिर उसके बाद वापस चली जाती है। अलार्म बजा, आपने देखा घड़ी में तो 8 बज गया, मेरे को तो लॉन्ग ड्राइव में जाना था। तो आप तुरंत फटाफट घर से बाहर निकले, आप कार में बैठे, कार स्टार्ट की और चल पड़े। लॉन्ग ड्राइव में आपके रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और घूप अंधेरा है, हवा चल रही है, सरसराहट की आवाज़ आ रही है पेड़ों की, तो डरावना माहौल जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत करके बढ़ते रहते हैं अंधेरे रास्ते में। तभी क्या होता है कि अचानक कार का टायर पंचर हो जाता है बीच जंगल में। अब आप परेशान हो जाते हैं, यार मैं अब क्या करूं, बीच जंगल में किसके पास जाऊं। आप अपनी ड्राइविंग सीट में बैठे बैठे सोचते रहते हैं। तभी क्या होता है, आपको दूर में एक रोशनी दिखाई पड़ती है और वहाँ से काफ़ी म्यूजिक की आवाज़ आती रहती है। तो आप उत्सुक भी हो जाते हैं, इतने घने जंगल में कहाँ से साउंड म्यूजिक आ रहा है और लाइट आ रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, देखूँ चल के।
और वहीं आपको ये उम्मीद रहती है कि वहाँ मुझे कुछ मदद मिल जाएगी, तो आप उस रोशनी की तरफ बढ़ जाते हैं। जब आप रोशनी की तरफ पहुँचते हैं वहाँ पर, तो आप देखते हैं कि जंगल में गधे और गधी की शादी होती रहती है और सारे जानवर म्यूज़िक में नाचते रहते हैं। तो आप भी उन लोगों के साथ मिलकर नाचने लगते हैं। थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होता है कि भाई खाना रेडी हो गया, सब लोग खाना खा लीजिए। तो सब लोग खाने की तरफ भागने लगते हैं, आप भी पहुंच जाते हैं खाने के लिए। तो देखा वहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ वाटर मिलन रहते हैं, ताज़े वाटर मिलन रखे रहते हैं खाने के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता खाने के लिए। अब आपको भी भूख लग जाती है, तो आप क्या करते हैं कि वाटर मिलन बड़ा सा उठाते हैं और वहीं पास के रखे एक चेयर में बैठ जाते हैं। जैसे ही चेयर में बैठ कर के आप वाटर मिलन को खाना शुरू करते हैं, पीछे से एक हाथी आता है और वो धक्का देता है कुर्सी को। जैसे कुर्सी को धक्का देता है तो आप नीचे गिर जाते हैं कुर्सी से, और वाटर और तरबूज आपके यहाँ से छूट के नीचे गिर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो आप उन तरबूज के टुकड़ों को समेटने लगते हैं, तो जैसे आप देखते हैं अचानक से आपको ध्यान आता है, अरे मेरे हाथ में तो अंगूठी है ही नहीं है, वो हीरे की अंगूठी थी, वो कहाँ गुम होगी पता नहीं। अब आप परेशान हो जाते हैं, आप तरबूज छोड़ करके अंगूठी को ढूंढने लगते हैं। तभी दूर से आपको दिखता है सलमान खान आता हुआ, उड़ उड़ दबंग 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 करके गाना गाते हुए वो आता रहता है। आपके पास पहुँचता है सलमान खान, फिर पूछता है कि भाई क्या हो गया यार, क्या ढूंढ रहे हो? तो आपने बोला कि भाई मेरी अंगूठी हो गई, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, तरबूज छोड़ करके अंगूठी को ढूंढने। तभी सलमान खान ने पॉकेट में हाथ डाला, अंगूठी निकाली, आपकी तरफ बढ़ाई और पूछा, क्या यही अंगूठी है जिसको ढूंढ रहे हो आप? आप खुश हो जाते हैं, अरे हाँ ये तो मेरी अंगूठी है, ये आपको कहाँ से मिली? इसमें बहुत जैसे ढूंढ रहा था, दरअसल स्पेशल अंगूठी थी, वो हीरे की अंगूठी थी जो आपको अपनी गर्लफ्रेंड ने सगाई पे दी थी। तो जैसे आप सलमान खान से पूछते हैं कि आपको ये कहाँ मिली, तो सलमान खान बोलता है कि वो तो मुझे पानी की टंकी के पास मिली थी। आपने बोला उससे, अरे चलो भाई मुझे पानी की टंकी दिखाओ कहाँ पर है, मुझे भी देखना है पानी की टंकी तक कैसे पहुँची अंगूठी। आप दोनों चल पड़ते हैं पानी की टंकी की तरफ। तो जब पानी की टंकी के पास पहुँचते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ऊँट खड़े रहते हैं, सफ़ेद रंग के ऊँट खड़े रहते हैं जिनके पंख रहते हैं बड़े बड़े। आप सलमान खान से पूछते हैं, सलमान जी बताइए ऊँट का क्या चक्कर है, ऊँट के पंख तो मैंने कभी देखे नहीं। सलमान खान बोलता है, स्पेशल ऊँट है और ये लोगों को चाँद पर ले जाते हैं, चाँद की सैर करा के वापस लेके आते हैं। अगर आपको चाँद की सैर करना है तो आप ऊँट के ऊपर बैठ सकते हैं। तो सलमान खान फिर आपको ऊँट में बैठाने में मदद करता है, आप ऊँट के ऊपर बैठ जाते हैं और जैसे ही बैठते हैं ऊँट उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते ऊँट कहाँ पहुँच जाता है, चाँद पे। चाँद पे चल रहा होता है क्रिकेट का मैच और वह बैटिंग कर रहा होता है बब्बर शेर, और सामने बॉलिंग कौन करता है मालूम है आपको? कैटरीना कैफ बॉलिंग करती है। तो मैच शुरू होने वाला होता है, अंपायर कैटरीना कैफ को बॉल देता है कि जाओ बॉलिंग करो। तो एक्चुअली बॉल नहीं रहता, वो एप्पल रहता है, सेब रहता है, बढ़िया ताज़ा सेब रहता है बड़ा सा। तो कैटरीना कैफ सोचती है कि मैं बॉलिंग करने से अच्छा तो एप्पल खा लेती हूँ, भूख लग रही है मुझे। जैसे ही वो खाने के लिए एप्पल को मुँह की तरफ बढ़ाती है कैटरीना कैफ, तो एक घोड़ा दौड़ते तभी एक घोड़ा दूर से दौड़ता हुआ आता है, वो एप्पल को खा लेता है। अब जैसे ही एप्पल को खाता है तो पूरा जो ग्राउंड में जो खिलाड़ी रहते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, कैटरीना कैफ, बब्बर शेर, अंपायर सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, दौड़ने लगते हैं कि कैसे खा लिया उसने। घोड़ा दौड़ता हुआ आपके पास पहुंचता हुआ है, चलना है क्या वापस धरती पे, पूछता है आपसे। आपने बोला हाँ भी चलना है। आप कूद के घोड़े को भी बैठ जाते हैं, घोड़ा वहाँ से छलांग मारता है चांद से, तो नीचे सीधे धरती पे आ जाता है। धरती पे आता है तो सीधे उस लैंड करता है समुद्र के किनारे पे। अब बड़ा सा समुद्र है, उसके लहरें अच्छी उछाल मार के किनारे तक पहुँचती हैं, आपको देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ एक अजीब सी चीज़ आप देखते हैं कि समुद्र में लैपटॉप उछल उछल के गिर रहे हैं, जैसे डॉल्फिन मछली होती है ना उछल के पानी में वापस छलांग मारती है, वैसे ही बहुत सारे लैपटॉप जो है उछल उछल के वापस छलांग मार रहे हैं पानी में। तो आप सोचते हैं यार कि ऐसा एक अच्छा सा लैपटॉप मेरे पास अभी होना चाहिए, मेरे पास आ जाए तो अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सा पानी के अंदर जाते हैं, तभी एक लैपटॉप जोर से उछलता है और आपके पास आगे गिरता है। आप लैपटॉप को लपक लेते हैं, बाहर आते हैं किनारे पर। तो किनारे पर बैठने के बाद में आप लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो जैसे ही ऑन करते हैं तो लैपटॉप ऑन होता है, स्क्रीन आती है, तो स्क्रीन में आपको एक बड़ी सी बाइक दिखती है, रेसिंग बाइक। आप सोचते हैं यार काश ऐसी रेसिंग बाइक मेरे पास होती। जैसे ही आप स्क्रीन को छूते हैं हाथ से,
बाइक को छूते हैं हाथ से तो अंदर से एक आवाज़ आती है लैपटॉप से तथास्तु, और वो बाइक आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, बड़ी सी बाइक। आप खुश हो जाते हैं तो आप कूद के बाइक में बैठ जाते हैं। जैसे ही आप बाइक में बैठते हैं तो तुरंत आपके शरीर पर वो रेसिंग वाले कपड़े आ जाते हैं, बूट्स और शूज़, हेलमेट, वो सब आ जाते हैं, और एक शानदार शूज़ भी पैरों आपके पैरों में आ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। आप तुरंत किक मारते हैं बाइक रेसिंग लड़ाते घुर करके भगाते हैं आगे। थोड़ी देर पहुंचते हैं तो देखते हैं कुछ बच्चे लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो आपकी भी फुटबॉल खेलने की इच्छा होती है तो आप फुटबॉल को किक मारते हैं। जैसे ही आप फुटबॉल को किक मारते हैं तो क्या होता है, फुटबॉल फूट जाता है और उसमें बहुत सारे तारे निकलने लगते हैं, स्टार्स निकलते हैं, इधर उधर इधर बिखरने लगते हैं। एक बड़ा सा तारा आपके पास आके गिरता है और एक झूम से स्पार्क जैसा होता है, एक रोशनी होती है तेज, और आप अमिताभ बच्चन प्रकट हो जाता है। अमिताभ बच्चन प्रकट हो जाता है, आपसे बोलता है हेलो भाई हाउ आर यू। आप उससे हाथ मिलाते हैं, खुश हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिला आपको। अमिताभ बच्चन आपकी तरफ एक मोबाइल बढ़ाता है, एप्पल का मोबाइल, बोलता है ये लो आपकी हमारी पहली मुलाकात पर ही आपको मेरी तरफ से गिफ्ट में दे रहा हूँ। आप मोबाइल लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। अभी आंखें मत खुलिएगा, ये पूरी कहानी अब दोबारा से सुनिए। मेरा दावा है कि दोबारा सुनने के बाद 100% आपको लिस्ट याद हो जाएगी। तो आइए दोबारा शुरू करते हैं, इस कहानी को दोबारा से सुनिए। सबसे पहले कल्पना करिए कि आप अपने घर में बैठे हैं आराम से, टीवी पे गाना दिख रहे हैं और दिलेर मेहंदी का गाना आ रहा है, तुनक तुनक तु, तुनक तुनक तु, तुनक तुनक तु, तारा रहा है ना। अब बच्चे वहीं खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं बच्चे लोग गाने पे। अचानक क्या होता है, 8 बजता है और अलार्म की घड़ी बजती है। अलार्म की घड़ी स्पेशल रहती है, उसमें से जैसे ही वो मिनट का गांडा 12 में पहुँचता है तो एक विंडो खुलता है, उसमें से चिड़िया बाहर आती है, चिड़िया चिल्लाती है ज़ोर से, फिर उसके बाद वापस चली जाती है। अलार्म बजा, आपने देखा घड़ी में तो 8 बज गया, मेरे को तो लॉन्ग ड्राइव में जाना था। तो आप तुरंत फटाफट घर से बाहर निकले, आप कार में बैठे, कार स्टार्ट किए, चल पड़े। लॉन्ग ड्राइव में आपके रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और घूप अंधेरा है, हवा चल रही है, सरसराहट की आवाज़ आ रही है पेड़ों की, डरावना माहौल जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत करके बढ़ते रहते हैं अंधेरे रास्ते में। तभी क्या होता है कि अचानक कार का टायर पंचर हो जाता है बीच जंगल में। अब आप परेशान हो जाते हैं, यार मैं अब क्या करूं, बीच जंगल में किसके पास जाऊं। आप अपनी ड्राइविंग सीट में बैठे बैठे सोचते रहते हैं। तभी क्या होता है, आपको दूर में एक रोशनी दिखाई पड़ती है और वहाँ से काफ़ी म्यूज़िक की आवाज़ आती रहती है। तो आप उत्सुक भी हो जाते हैं, इतने घने जंगल में कहाँ से साउंड म्यूज़िक आ रहा है और लाइट आ रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, देखूं चल के। और वहीं आपको ये उम्मीद रहती है कि वहाँ मुझे कुछ मदद मिल जाएगी, तो आप उस रोशनी की तरफ बढ़ जाते हैं। जब आप रोशनी की तरफ पहुँचते हैं वहाँ पर तो आप देखते हैं कि जंगल में गधे और गधी की शादी होती रहती है और सारे जानवर म्यूज़िक में नाचते रहते हैं। तो आप भी उन लोगों के साथ मिलकर नाचने लगते हैं। थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होता है कि भाई खाना रेडी हो गया, सब लोग खाना खा लीजिए। तो सब लोग भागते खाने की तरफ भागने लगते हैं, आप भी पहुंच जाते हैं खाने के लिए। तो देखा वहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ वाटर मिलन रहते हैं, ताज़े वाटर मिलन रखे रहते हैं खाने के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता खाने के लिए। अब आपको भी भूख लग जाती है तो आप क्या करते हैं कि वाटर मिलन बड़ा सा उठाते हैं और वहीं पास के रखे एक चेयर में बैठ जाते हैं। जैसे ही चेयर में बैठ करके आप वाटर मिलन को खाना शुरू करते हैं, पीछे से एक हाथी आता है और वो धक्का देता है कुर्सी को। जैसे कुर्सी को धक्का देता है तो आप नीचे गिर जाते हैं कुर्सी से, और वाटर और तरबूज आपके यहाँ से छूट के नीचे गिर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो आप उन तरबूज के टुकड़ों को समेटने लगते हैं, तो जैसे आप देखते हैं अचानक से आपको ध्यान आता है, यार मेरे हाथ में तो अंगूठी है ही नहीं है, वो हीरे की अंगूठी थी, वो कहाँ गुम हो गई पता नहीं। अब आप परेशान हो जाते हैं, आप तरबूज छोड़ करके अंगूठी को ढूंढने लगते हैं। तभी दूर से आपको दिखता है सलमान खान आता हुआ, उड़ उड़ दबंग 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 करके गाना गाते हुए वो आता रहता है। आपके पास पहुँचता है सलमान खान, फिर पूछता है कि भाई क्या हो गया यार, क्या ढूंढ रहे हो। तो आपने बोला कि भाई मेरी अंगूठी हो गई, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ तरबूज। तभी सलमान खान ने पॉकेट में हाथ डाला, अंगूठी निकाली, आपकी तरफ बढ़ाई और पूछा, क्या यही अंगूठी है जिसको ढूंढ रहे हो आप।
आप खुश हो जाते हैं, अरे हाँ ये तो मेरी अंगूठी है, ये आपको कहाँ से मिली, इसमें बहुत जैसे ढूंढ रहा था। दरअसल स्पेशल अंगूठी थी, वो हीरे की अंगूठी थी जो आपको अपनी गर्लफ्रेंड ने सगाई पे दी थी। तो जैसे आप सलमान खान से पूछते हैं कि आपको ये कहाँ मिली, तो सलमान खान बोलता है कि वो तो मुझे पानी की टंकी के पास मिली थी। आपने बोला उससे, अरे चलो भाई मुझे पानी की टंकी दिखाओ कहाँ पर है, मुझे भी देखना है पानी की टंकी तक कैसे पहुँची अंगूठी। आप दोनों चल पड़ते हैं पानी की टंकी की तरफ। तो जब पानी की टंकी के पास पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ऊँट खड़े रहते हैं, सफ़ेद रंग के ऊँट खड़े रहते हैं जिनके पंख रहते हैं बड़े बड़े। आप सलमान खान से पूछते हैं, सलमान जी बताइए ऊँट का क्या चक्कर है, ऊँट के पंख तो मैंने कभी देखे नहीं। सलमान खान बोलता है ये स्पेशल ऊँट है और ये लोगों को चांद पर ले जाते हैं, चांद की सैर करा के वापस लेके आते हैं। अगर आपको चांद की सैर करना है तो आप ऊँट के ऊपर बैठ सकते हैं। तो सलमान खान फिर आपको ऊँट में बैठाने में मदद करता है, आप ऊँट के ऊपर बैठ जाते हैं और जैसे ही बैठते हैं ऊँट उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते ऊँट कहाँ पहुँच जाता है, चांद पे। चांद पे चल रहा होता है क्रिकेट का मैच और वह बैटिंग कर रहा होता है बब्बर शेर और सामने बॉलिंग कौन करता है मालूम है आपको, कैटरीना कैफ बॉलिंग करती है। तो मैच शुरू होने वाला होता है, अंपायर कैटरीना कैफ को बॉल देता है कि जाओ बॉलिंग करो। तो एक्चुअली बॉल नहीं रहता, वो एप्पल रहता है, सेब रहता है, बढ़िया ताज़ा सेब रहता है बड़ा सा। तो कैटरीना कैफ सोचती है कि मैं बॉलिंग करने से अच्छा तो एप्पल से खा लेती हूँ, भूख लग रही है मुझे। जैसे ही वो खाने के लिए एप्पल को मुँह की तरफ बढ़ाती है कैटरीना कैफ, तो एक घोड़ा दौड़ते तभी एक घोड़ा दूर से दौड़ता हुआ आता है, वो एप्पल को खा लेता है। अब जैसे ही एप्पल खाता है तो पूरा जो ग्राउंड में जो खिलाड़ी रहते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, कैटरीना कैफ, बब्बर शेर, अंपायर सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको दौड़ाने लगते हैं कि कैसे खा लिया उसने। घोड़ा दौड़ता हुआ आपके पास पहुंचता हुआ है, चलना है क्या वापस धरती पे, पूछता है आपसे। आपने बोला हाँ भी चलना है। आप कूद के घोड़े को बैठ जाते हैं, घोड़ा वहाँ से छलांग मारता है चांद से तो नीचे सीधे धरती पे आ जाता है। धरती पे आता है तो सीधे उस लैंड करता है समुद्र के किनारे पे। अब बढ़िया बड़ा सा समुद्र है, उसकी लहरें अच्छी उछाल मार के किनारे तक पहुँचती हैं, आपको दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ एक अजीब सी चीज़ आप देखते हैं कि समुद्र में लैपटॉप उछल उछल के गिर रहे हैं, जैसे डॉल्फिन मछली होती है ना उछल के पानी में वापस छलांग मारती है, वैसे ही बहुत सारे लैपटॉप जो है उछल उछल के वापस छलांग मार रहे हैं पानी में। तो आप सोचते हैं यार कि ऐसा एक अच्छा सा लैपटॉप मेरे पास अभी होना चाहिए, मेरे पास आ जाए तो अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सा पानी के अंदर जाते हैं तभी एक लैपटॉप ज़ोर से उछलता है और आपके पास आगे गिरता है। आप लैपटॉप को लपक लेते हैं, बाहर आते हैं किनारे पर। तो किनारे पर बैठने के बाद में आप लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो जैसे ही ऑन करते हैं तो लैपटॉप ऑन होता है, स्क्रीन आती है, तो स्क्रीन में आपको एक बड़ी सी बाइक दिखती है, रेसिंग बाइक। आप सोचते हैं यार काश ऐसी रेसिंग बाइक मेरे पास होती। जैसे ही आप स्क्रीन को छूते हैं हाथ से, बाइक को छूते हैं हाथ से, तो अंदर से एक आवाज़ आती है लैपटॉप से, तथास्तु, और वो बाइक आपके सामने आके खड़ी हो जाती, बड़ी सी बाइक। आप खुश हो जाते हैं तो आप कूद के बाइक में बैठ जाते हैं। जैसे ही आप बाइक में बैठते हैं तो तुरंत आपके शरीर पर वो रेसिंग वाले कपड़े आ जाते हैं, बूट्स और शूज़, हेलमेट, वो सब आ जाते हैं और एक शानदार शूज़ भी पैरों आपके पैरों में आ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है आपको, आप तुरंत किक मारते हैं बाइक रेसिंग दौड़ाते हैं, घुर करके भगाते हैं आगे। थोड़ी देर पहुँचते हैं तो देखते हैं कुछ बच्चे लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो आपकी भी फुटबॉल खेलने की इच्छा होती है, तो आप फुटबॉल को किक मारते हैं। जैसे ही आप फुटबॉल को किक मारते हैं तो क्या होता है, फुटबॉल फूट जाता है और उसमें बहुत सारे तारे निकलने लगते हैं, स्टार्स निकलते हैं, इधर उधर इधर बिखरने लगते हैं। एक बड़ा सा तारा आपके पास आके गिरता है और एक झूम से स्पार्क जैसा होता है, एक रोशनी होती है तेज, और आप अमिताभ बच्चन प्रकट हो जाता है। आपसे बोलता है हेलो भाई हाउ आर यू, आप उससे हाथ मिलाते हैं, खुश हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिला आपको। अमिताभ बच्चन आपकी तरफ एक मोबाइल बढ़ाता है, एप्पल का मोबाइल, बोलता है ये लो आपकी और हमारी पहली मुलाकात पर ही, ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट में दे रहा हूँ। आप मोबाइल लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। अब आप वापस एक ब्लैंक पेपर पेन लीजिए और जहाँ से आपने शुरुआत की थी, जिस वर्ड से आपने शुरुआत की थी, उस पहले वर्ड से लेकर के आप लिखते जाइए, पूरी स्टोरी को रिकॉल करिए मन में कि आपने क्या स्टोरी दिखा था मन में, क्या आपने स्टोरी बताई थी, आपने क्या रिकॉल किया था मन में, क्या इमेज बनाई थी अपने, उस सीक्वेंस आप पूरा सोचिए उस बारे में, उसको रिकॉल करिए।
पूरा सोच करके जैसे जैसे वर्ड्स उसमें आते जाते हैं वो वर्ड्स को आप लिखते जाइए पेपर पे। मेरे तो जहाँ तक उम्मीद है 100% कि आप पूरी की पूरी लिस्ट एज इट इज उसमें नोट कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि इस एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये हो पाता है कि हम लंबी लंबी लिस्ट याद कर पाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब हम कोई भी वर्ड्स को किसी भी इमेज के साथ एसोसिएट करते हैं तो हम एक इमेज क्रिएट करते हैं दिमाग में, एक पिक्चर पैदा करते हैं दिमाग में, विजुअल पैदा करते हैं। तो वो क्या होता है, वो पिक्चर हमें को बहुत समय तक याद रह जाती है। और दूसरा है कि हमारा विजुअलाइजेशन एबिलिटी बहुत बढ़ता है। विजुअलाइजेशन एबिलिटी बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, जब हम पिक्चर्स के साथ में बहुत कंफर्ट होने लगते हैं तो हमको कई बार जब पिक्चर देखते हैं, मैप देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, ड्राइंग देखते हैं, तो हमको जल्दी याद हो जाते हैं। तो जब आप लंबी लंबी लिस्ट याद कर लेते हैं आसानी से तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मिलता है एग्ज़ाम्स में। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में बैठे हैं, किसी क्विज में बैठे हैं, तो आपको ऐसे ऐसी लिस्ट कई बार काम आती हैं बहुत। तो फ़ायदे बहुत हैं, सीखिए और मेमोरी इम्प्रूव करिए। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारा ब्रेन जो है वीडियोस को, मतलब पिक्चर्स से भी ज़्यादा वीडियोस को बहुत आसानी से याद कर लेता है, दिमाग में रखता है, बहुत लंबे समय तक रखता है। अगर आपने कोई पिक्चर देखी है तो पिक्चर देख करके आने के बाद भी आपको कई दिन तक उसके सीन याद रहते हैं। डायलॉग भले याद नहीं रहे लेकिन सीन याद रहते हैं। कुछ एक डायलॉग जो हिट हो जाते हैं वो तो याद हो जाते हैं लेकिन सीन ज़्यादा याद रहते हैं। और मैं आपसे पूछूं अगर कि आपको अपने पुरानी ज़िंदगी की क्या क्या चीज़ें याद हैं तो आपको वो सीन याद आएगा, आपको वो एक आपके आपके दिमाग के सामने, आपकी आंखों के सामने पिक्चर जैसे चलने लगेगा, लेकिन उसके डायलॉग्स आपको कभी याद नहीं आएंगे, उसके वर्ड्स कभी आपको याद नहीं आएंगे। इमेजेस और वीडियोस को आसानी से ब्रेन स्टोर करता है, और वो भी ऐसी चीज़ें जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपनी पिछली ज़िंदगी की कौन कौन सी चीज़ें याद हैं तो कुछ सेलेक्टेड चीज़ें आपको याद होंगी, और वो भी इसलिए याद होंगी कि उनके साथ कुछ ना कुछ खास इंसिडेंट जुड़ा होता है, कुछ ना कुछ खास बात होती है, कुछ अलग हटके बात होती है। ये तो बहुत खुशी वाला मौका होगा, या कोई बहुत बड़ा दुख भरा मौका होगा, या कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा, या कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। ऐसे कुछ ना कुछ खास बात उस मेमोरी के साथ में जुड़ी रहती है, तभी वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस को, वीडियोस को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखता है, और उसमें भी कुछ अलग हटके है, अगर कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप की चीज़ें हैं तो वो हमको याद रहता है। इसीलिए क्या करते हैं, जब हम लिस्ट याद करते हैं तो हर एक वर्ड को एक पिक्चर के साथ में एसोसिएट करते हैं, और वो उन पिक्चर्स को मिलाकर एक पूरी वीडियो बनाते हैं, है ना, एक फिल्म बनाते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो लंबी लंबी लिस्ट आसानी से याद हो जाती हैं। शुरू में ऐसा करने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है, तो शुरू में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आप और जल्दी कर पाएंगे और लंबी लिस्ट कर पाएंगे। तो शुरुआत में आप छोटी लिस्ट बनाइए, जैसे 10 आइटम की लिस्ट ले लीजिए, उसको आप हर एक इमेज के साथ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हर एक आइटम के साथ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेज जोड़िए, और उसको अपने दिमाग में कल्पना करिए कि ऐसा वीडियो चल रहा है, फिर उस लिस्ट को बिना देखे लिखिए। ऐसे प्रैक्टिस करिए और धीरे 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 लिस्ट आप लिस्ट लंबी करते जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिस्ट में मैं वीडियो बनाऊँ तो आप अपने 20 से 25 आइटम की लिस्ट बनाइए, रैंडम लिस्ट बनाइए, उसको मुझे भेज दीजिए, व्हाट्सएप में कर दीजिए, मेल कर दीजिए, उसी पे वीडियो बना के इस चैनल पे आपको मैं दिखाऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो और भी आने वाले हैं मेरे इस चैनल पे, और मेरे पास नॉलेज का भंडार है। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी काफ़ी लंबा है, 35 सालों का, मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये अपने तरह का इकलौता चैनल है जहाँ आपको सब कुछ मिल जाता है एक पॉइंट में, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के ब्रेन डेवलपमेंट तक आपको मिल जाता है, मेमोरी इम्प्रूवमेंट तक की चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करिए, क्योंकि मुझे जितना ज़्यादा आपको प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कब, जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक और शेयर बढ़ेंगे, तो मुझे डेफिनेटली प्रोत्साहन मिलेगा, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँगा।
तो बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट में कमेंट लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, चैनल डिस्क्रिप्शन पे भी मेरे नंबर मिल जाएंगे आपको। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अपना वेबसाइट डेवलप किया है, उसमें मेरे जितनी भी मैंने किताबें लिखी हैं, मैंने कोर्सेज बहुत सारे जो हैं अवेलेबल है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, ऐसी बुक्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बहुत शानदार हैं, जो आपके काम आ सकती हैं। वो सारा कुछ मैंने लिस्ट किया हुआ है उस वेबसाइट में, तो आप उस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। मेरे वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। धन्यवाद।